everyone, welcome back to my channel. आज हम लोग जा रहे हैं गाँव. पहले जाएंगे मौसी के यहाँ, फिर जाएंगे गाँव. किस अभी हम लोग रुके हैं. विवेक गया है बलसाही लाने. यहाँ का बलसाही बहुत फेमस है. सैदपुर, हाँ, मतलब यहाँ का बलसाही बहुत टेस्टी लगता है, बहुत सुंदर होता है. इसीलिए सुंदर नहीं होता है, यम्मी होता है, टेस्टी होता है. हाँ, टेस्टी होता है, जरूर ट्राई करना. देखो गाड़ी रुकता नहीं है. कि नमस्ते, तो खड़े खड़े हो. नमस्ते. अपने दोस्त को अपडेट दे रहे हैं. यहाँ बारिश हो रही थी मुजफ्फरपुर में, पर यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है. यहाँ बारिश नहीं हो रही है, यहाँ मौसम अच्छा है. मौसम गर्मी लग रहा है, लेकिन रुकी हुई है ना गाड़ी. ये लटक गाड़ी रुकता नहीं है कि लटकने लगता है. जो बस बस क्या हो रहा है ये दोनों का? इतना प्यार हुआ. ओए विंडो सीट चाहिए. कितनी अच्छी लग रही है, एकदम गांव की लग रही है. फोटो बना फोटो. ये पीछे मेरी मौसी का घर है. उसका मतलब खेत खेत नहीं है, ये वहाँ पे वो लगता है, गोभी गोभी वगैरह लगा हुआ है. लगाया है मौसी के गाँव. अब खाएंगे चले जाओ. अब हम लोग खाएंगे तरुआ. हम लोग कहीं भी चले जाते हैं. नहीं मौसी के यहाँ तो सब जगह. हम पहली बार आए हैं अपने छोटे मौसी के घर. इतना सब बहुत साल बाद हम तो पहली बार आए. पूरे रास्ते ऐसे ही जाएगा खड़े खड़े. सही चला रहा है मामू. तू बैठ जा. रहने दो ना, कितना सही तो जा रहा है. बताते हुए विवेक को रास्ता. दुकान पे शॉपिंग कर रही है. दीदी माजा ले लो, स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग. हाँ ले लो. तुमको भी 500 अपने 500 रुपए दो जो मौसी दी है, दो उसका चीज खरीदना. वाह वो खोल लिया. दीदी रुको, ले खोल दिया. अरे रुक. खा के अब लेते हुए हैं सर. गाँव ये हमारे गांव का बाजार है. हाट हाट दिल्ली हाट तो हटवरिया हाट. हाँ ये हटवरिया हाट है.
क्योंकि आज वेनेसडे है, बुधवार को यहाँ पे मार्केट लगता है, बाजार लगता है। हाँ, सीम में टेस्ट है, मेन बात। मौसी क्या देखी है, सीम में कितना टेस्ट था। ये हटवरिया कहाँ ठीक, बहुत लंबा है, बहुत दूर तक है। रुको ना, रुको। यहाँ बहुत आदमी आते हैं लेने। ये हमारा चौक है, इधर ही हमारा जमीन सब है। किसी का गांव का चौक ऐसा हो सकता है? सब चौक है हमारा, लंबा भी बहुत दूर। जनरली गांव का चौक सब इतना लंबा थोड़ी ना होता है। यहाँ पे देखो गाय, ये बाजार लगा है, काऊ ने मतलब गाय भैंस बैल सब है। बाजार तक इधर अपना गाछी सब है, पीछे जित्तू भी है, जित्तू भी है। आ गया हमारा जमीन साइड साइड वाला। अब गांव में इसको मेकअप से फुर्सत नहीं मिलता है। सो हम लोग आ चुके हैं अपने गांव। देखो नमो ले मुंह में, ये देखो दीदी। नहीं पैसा नहीं लिया है। देखो ये पूजा रूम है, पूजा रूम है। नमो को बहुत मजा आ रहा है, बहुत बड़ा घर मिल गया। निकल गए हैं गांव के खिलिया। देखिए इसीलिए नहीं बता रही इसी गांव के हैं हम लोग, ऐसे क्यों नहीं सबसे। मुझे आ रहा है अपने बाबा के साथ, यहाँ पे मेरी मम्मी ने पेड़ लगाया था अपनी नानी माँ का पेड़ देखने, सब सही से है ना। हम लोग बहुत सारा पेड़ मम्मी लगाई थी, 50-60 वही देखने जा रहे हैं, सब सही से है। आम का पेड़ हम लोग देख ही नहीं रहे, मैं एकदम गांव की तरफ, मौसी का चप्पल पहन के मैं एकदम गांव के आदमी लग रही हूँ। हम लोग आ गए हैं अपना गाछी में पेड़ देखने। पुआल है ये हमारा पुआल। हम लोग गांव में नहीं रहते इसलिए बहुत कम चीज मैं जानती हूँ। सेलेक्टेड आइटम्स, ओवर एक्टिंग नहीं हो रहा है कुछ नहीं, थोड़ा यहाँ पे देख दुख के चलना ना पड़ता है, क्या पता। ये सरसों है, सब अपना है। हमारा खेत है। अरे मटर का पेड़ को सीम का पेड़ बोल रही है। ये वही लड़का है, गांव में बैठ के खा रहा है, मस्त समोसा का मजा ले रहा है। मजा समोसा है ना, समोसा कितना मस्त खाना लग रहा है उसको, पूरा गांव देखा हुआ है। पापा बल्ब ला दीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिए, छोड़ दे। नमो का फ्रेंड, न्यू फ्रेंड। सो गाइस हम लोग आए हैं कल्याणेश्वरी, हमारे गांव के बगल में है, यहीं परमहंस बाबा का बर्थ हुआ था। यहाँ पे स्टोरी है, मछली का एक बहुत बड़ी मछली हुई थी,
पर एक फिश थी जो कि सोना का नोस में पहन के आई थी उस तालाब में। चलिए दिखा, ये तालाब हम पकड़े हुए थे ना। बाप रे बहुत स्लिपी चलो इधर एक ये परहंस बाबा का दिख नहीं रहा बंद है। पट बंद है। अच्छा हाँ पट बंद है लेकिन वो है नहीं तो दिखेंगे कहाँ। परहंस बाबा का हाँ दिखा वालों ना ये बहुत गाड़ी में वेट कर रहे हैं। ये पापा शूज पहन रहे हैं। अब हम लोग घर चलो लोग आ गए हैं मधुबनी। मधुबनी में हम सब खाई थी फुचका। हेलो गाइस हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। ये मैं हूँ, ये मेरे पापा हैं, ये अंजलि दी है, वो नमो है, यहाँ ये विवेक भाई है जिसका सिर्फ कटलाप देख सकते हैं और वहाँ मुजफ्फरपुर का रास्ता है। बस हो गया लो अब रखे छी।